Hello student, today we learn about how to predict the structure of molecules, or you can also say shape of molecules with the help of VSEPR theory. There is lots of theory to detect the shape of molecules. So first of all, what क्या कौन कौन सी थियोरी आई है? तो पहले आई थी लुईस बेस थियोरी, ठीक है. उसके बाद आई थी मोलिकुलर ऑर्बिटल थियोरी. लुईस बेस थियोरी में क्या होता है कि एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसके सराउंडिंग में सराउंडिंग एटम्स है विथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने लोन पेयर उसके पास अवेलेबल है, उसके बेसिस पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर था. पर उसकी लिमिटेशंस आई, इसलिए उसके बाद आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या होता है कि दो एटम्स हैं, उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है और वो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करते हैं. मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सअप होके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है उसमें उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड हो रहे हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो रहे हैं. हमने देखा है चितार, आपने सुना होगा, या तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, ऐसा सब सुना होगा. तो वो क्या है, MOT थियरी है. उसके बाद आई VBT थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, कि जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात हुई. उसके बाद आई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी, वैलेंस सेल VBT थियरी आई. उसके बाद VSEPR थियरी में क्या होता है, तो यहाँ पे पहले हम उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि वैलेंस वेस्पर थियरी और VSEPR थियरी का फुल फॉर्म क्या है. तो वो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी. तो यहाँ पे रिपल्जन का मतलब कि बॉन्ड पेयर में रिपल्जन है, लोन पेयर में रिपल्जन है, किसके अकॉर्डिंग रिपल्जन हो रहा है, या तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसमें प्रेजेंट है उसके बेसिस पे रिपल्जन हो रहा है. तो हम ये सब देखेंगे VSEPR थियरी में. और उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्जन हो रहा है, या तो कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी वजह से जो मोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल चेंज होगा. एक बार बॉन्ड एंगल चेंज होता है तो स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, मतलब उसका शेप भी चेंज होगा मॉलिक्यूल का. तो वेस्पर थियरी में ये सब इंक्लूड होता है कि रिपल्जन कितना होता है. तो ये किसने दिया और क्यों है, वेस्पर थियरी है प्रिडिक्ट दिस जियोमेट्री ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल फ्रॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग देयर सेंट्रल एटम. And that is given by Gleason and Nyholm. They are main developer of Vesper theory. जिन्होंने क्या समझाया, जिन्होंने समझाया by the use of Vesper theory that valence electron pair surrounding the atom tends to repel each other. मतलब कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम, मतलब सेंट्रल एटम के पास, मेटल एटम भी बोल सकते हैं, पर कई बार मेटल नहीं होता है तो हम बोलते हैं एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो एक दूसरे को रिपेल करती है. उसकी वजह से क्या होता है, तो देयरफॉर अडॉप्ट अ अरेंजमेंट दैट मिनिमाइज दिस रिपल्जन. और उस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए उसकी अरेंजमेंट, मतलब कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि वो रिपल्जन मिनिमाइज हो जाए, मतलब कि वो रिपल्जन कम हो जाए. दिस इन टर्न्स डिक्रीजेस मोलिकुलर एनर्जी एंड इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी. वही बात है कि अगर हम उसका रिपल्जन मिनिमाइज कर देंगे, उसको ठीक से उसके इलेक्ट्रॉन को बिठा देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को उसके सराउंडिंग में, तो क्या होगा, मोलिकुलर की एनर्जी कम हो जाएगी, वो कम हिलेगा, उसमें रिपल्जन कम होगा. उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी कोई भी सिस्टम की कम होती है तो वो क्या करता है, उसकी स्टेबिलिटी अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है. तो
विच डिटरमाइंस द मोलिकुलर जियोमेट्री, और वो क्या इंडिकेट करता है, जो स्टेबल कंपाउंड है वो अपना जियोमेट्री डिसाइड करता है, मोलिक्यूल का जियोमेट्री क्या है वो डिसाइड करता है. तो उससे पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस एटम के कितने हैं. तो इसीलिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, वी कैन सी हियर द वन पीरियोडिक टेबल दैट प्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम. यहाँ पे 18 कॉलम है, यहाँ आप देख सकते हो जहाँ मैंने एरो कर्सर रखा है कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है. यहाँ पे डी एलिमेंट्स है वो मैंने नहीं इंडिकेट किए हैं क्योंकि वो हम बाद के लेक्चर में समझेंगे. उसके बाद ये 13 ग्रुप एलिमेंट्स है, बोरोन वाली फैमिली, फिर कार्बन वाली 14 ग्रुप एलिमेंट्स है, उसके बाद आ रहा है नाइट्रोजन 15 ग्रुप एलिमेंट है, उसके बाद आ रहा है ऑक्सीजन 16 ग्रुप एलिमेंट है, फिर फ्लोरिन 17 ग्रुप है एलिमेंट है, और उसके बाद 18 ग्रुप एलिमेंट इनर गैसेस. तो ये VACPR थियोरी को समझने के लिए पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको ही बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रख सकता है बाई द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पता होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि फर्स्ट माने कि वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन के पास, लिथियम के पास, सोडियम के पास. सेकेंड रो में आप देख, सेकेंड कॉलम में देख सकते हैं आप कि उसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसीलिए तो H प्लस के फॉर्म में होता है और बेरिलियम प्लस टू के Mg प्लस टू के फॉर्म में रहता है, क्योंकि वो उसकी स्टेबल स्टेट है, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके नेक्स्ट नेबल गैसेस की तरह है. इसीलिए कि वो टू इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम रिमूव करेगा तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा. तो यहाँ क्या बात हो रही है, बस उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को अच्छे से फुलफिल करो, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करो या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ठीक है. फिर ये है 13 ग्रुप एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 3 है. 13 में से अगर आप नियोन का एटॉमिक नंबर, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10, तो हम नियोन का एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 13 में से, तो हमें मिलेगा 3. तो यहाँ पे आया बोरॉन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, ये सारे में 3 ही होगा. फिर आएगा 4, कार्बन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे 4, मतलब वो उसकी कैपेसिटी बॉन्ड बनाने की कितनी है, तो क्योंकि वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं. उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, वो 5 बॉन्ड बना सकते हैं. उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, वो 6 बॉन्ड बना सकता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है. और फ्लोरीन वो 7 बॉन्ड बना सकता है, बट इट इजी टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल फॉर 17 ग्रुप एलिमेंट. अगर ये दूसरे के साथ साथ मिलके उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है किसी से, तो उसकी ऑक्टेट ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसमें. तो यहाँ पे क्या करना है, हमें उसे ऑक्टेट फिल करनी है. तो ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता होने चाहिए जब हम मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करते हैं और शेप डिसाइड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रिमेम्बर करना है, या तो ये हमको पता होना चाहिए कि किस एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. तो अभी आगे बढ़ते हैं कि वंस यू नो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन फाइंड देयर हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन जो है उससे पता चलता है कितनी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुई है, उसके हिसाब से हमें एक नंबर मिलेगा. अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो हमें एक कॉन्स्टेंट फिक्स दिया है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती है, 1 s ऑर्बिटल 1 p ऑर्बिटल. तो वो जो इन्वॉल्व हुई ऑर्बिटल है उसके अकॉर्डिंग sp मॉलिक्यूल्स का, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन वाले सभी मॉलिक्यूल का स्टेप कैसा होगा, तो कि लीनियर होगा.
और उसमें बॉन्ड एंगल कैसा होगा, तो 180 होगा, वो हमें पता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेकेंड आ रहा है तो sp2 है, तो उसके उसको निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल का हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, H इज इक्वल टू 1/2 v + m + or - c, वेर H रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इनवर्स। एज आई से कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी हुई, एक s हुई, एक p हुई, समझिए। तो इसलिए उसका नंबर कितना आएगा, H की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ये सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसके बाद आ रहा है वी। वी मतलब रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम। जो आगे का मैंने कोष्टक दिया है, आगे का जो टेबल दिया है, उसमें से आप कोई भी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम एक ही होता है, तो अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो टेबल एक बार देख लेना है कि किस एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आएगा M। M यहाँ पे है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम में फिक्स है H प्लस, ठीक है, फ्लोरीन माइनस, ऑल हेलोजन्स आर मोनोवेलेंट एटम। उसके बाद आता है चार्ज। जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई चार्ज है, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें नेगेटिव करना है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे हमें उसको ऐड करना है। तो ये सिंपल है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, H2O। तो H2O मॉलिक्यूल हैविंग सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं। या तो कोष्टक में से देख लो, या तो रिमेंबर कर लो, या तो आपको नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आता ही होगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। वो 6 है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वी क्या आएगा हमारा, 6। हमने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लगा दिया है, एच इज इक्वल टू 1/2 v + m + or - c। और यहाँ बात की जाए मोनोवेलेंट एटम की, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, मतलब कि 2 × 1, एक हाइड्रोजन एटम के लिए 1 रखते हैं, दूसरे मोनोवेलेंट एटम के लिए हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो प्लस 2 होगा, प्लस और माइनस सी। सी यहाँ पे चार्ज दिया गया नहीं है, H2O के ऊपर एक भी चार्ज नहीं है। अगर NH4 प्लस होता तो हम प्लस चार्ज को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप ये एग्जांपल NH4+ का एग्जांपल लेके भी ये वेरीफाई कर सकते हैं, उसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें उसका एग्जिस्ट शेप निकालना है। अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो H2O के लिए 4 आ रहा है। सो H2O इज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल H2O मॉलिक्यूल के लिए इन्वॉल्व हो रही है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, तो हमें पता है 2 होते हैं, dsp2 एंड नेक्स्ट वन इज sp3। dsp2 तो ही आता है कि जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, पर यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल, इंटरनल p ऑर्बिटल ऑलरेडी एम्प्टी है, और अगर हम बात करें कि अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज करने हैं तो हमारे पास अवेलेबल 3s और 3p है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है, तो कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आएगा। तो अभी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा 4 के लिए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वालों का शेप क्या होता है वो हमें ऑलरेडी नोन है कि उसका शेप होता है टेट्राहाइड्रल, बट टेट्राहाइड्रल ना होके H2O में बैंड शेप है, वो क्यों है, तो वो समझने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करने हैं उसकी। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में चले जाएंगे। अब कितने बचे, आप है ना अपने पास एक नोटबुक रखो जिसमें आप लिख सकते हो, ऑक्सीजन लिखो उसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दो,
उस ड्रॉ कर दो, उसके बाद उसमें से दो इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दो, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। अभी ऑक्सीजन के पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पैर रहेगी, जिसे हम बोलते हैं लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि टेट्राहेड्रल जिसका शेप है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री इंटू 28 मिनट्स, और ये हमें पता है। तो वो ना रह के उसके वो जो लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी वजह से उसका बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि वो नजदीक आएंगे, जो बॉन्ड पेयर है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसे हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो जो बॉन्डिंग पेयर है वो सिंक्रोनाइज होगी किसकी वजह से, तो दो लोन पेयर बच गए हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका एंगल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक चीज है कि हम लोन पेयर को कभी भी शेप डिटर्मिनेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसको छोड़ के जो तुमको शेप दिख रहा है वो उसका एक्चुअल शेप होगा। इसीलिए H2O का शेप टेट्राहाइड्रल ना रह के हम यहाँ पे बेंड लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लोन पेयर है वो टेट्राहाइड्रल के दूसरे दो कोनों में अरेंज होगी। देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर इंट्रैक्शन दिया गया है एक टेबल में, तो बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ, पहना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया। तो अगर टू ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे एच की वैल्यू दी गई है, एच इज इक्वल टू टू, सेकेंड रो में एच इज इक्वल टू थ्री, फोर्थ में एच इज सॉरी थर्ड में एच इज इक्वल टू 4, फिर 5 और 6, यहाँ 6 तक की लिया है, आप आगे तक भी जा सकते हो और इजीली डिटरमिन होगा आपसे। तो ठीक है, अब हम उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर जियोमेट्री देखते हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पेयर। अगर 2 है तो ये डिसाइडेड है कि उसका शेप लीनियर ही होगा, 108 ही उसका बॉन्ड एंगल होगा। अगर 3 है तो उसका शेप डिसाइडेड ही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ट्राइगोनल प्लानर होगा। अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, या तो उसकी ज्योमेट्री चेंज होकर स्क्वायर पिरामिडल भी बन सकती है, या तो बैंड भी बन सकती है, या तो ट्राइगोनल पिरामिडल बन सकती है। वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी समझाने जा रही हूँ। तो पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर h की वैल्यू 2 आई है हमारे पास, तो यहाँ पे लीनियर शेप दिखा रहा है कि जिसके अंदर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो मॉलिक्यूल की जियोमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करती, ऐसी कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं दिखाई गई है। यहाँ पे आप ग्रे कलर का बॉक्स देख सकते हैं कि नहीं अवेलेबल है। तो इसमें सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सॉरी इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, मतलब कि मैंने अभी H2O सॉरी यहाँ पे दो बॉन्ड ही बन रहे हैं, एक एटम सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के साथ में एक एक बॉन्ड ही बन रहा है। इसका शेप होगा लीनियर और 180 एंगल। दूसरी से आ रहा है ट्राइगोनल प्लानर। अगर ट्राइगोनल प्लानर शेप में तीनों के तीनों मतलब के तीनों एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग पेयर्स बना रही है, तो उसका एक्चुअल शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर। बट अगर उसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका शेप क्या होगा, थोड़ा उसका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन डॉट दो, उसका कॉन्ट्रेक्शन होगा, वो दोनों एक दूसरे के थोड़े से नजदीक आएगी ड्यू टू ये जो लोन पेयर दिखाई गई है उसकी वजह से। तो उसका शेप ट्राइगोनल प्लानर ना रह के बैंड हो जाएगा। फिर आती है बारी टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल हमने अभी अभी पढ़ा कि H2O मॉलिक्यूल्स में, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले देखो सभी बॉन्ड पेयर है, अगर इसमें सभी बॉन्ड पेयर है ठीक है, तो इसका एक्चुअल शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। बट अगर एक लोन पेयर आती है, तो वो एक लोन पेयर ये तीनों को रिपेल करेगी, और इसमें रिपल्जन होगा और उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और ये बन जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो
उसके बाद बैंड, यहाँ पे दो साइड पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टेट्राहेड्रल में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन एटम कंसिडर करो, और ये जो दो ग्रीन कलर के गोल है वो आप इमेजिन करो कि हाइड्रोजन एटम है, तो वो बॉन्डिंग पेयर हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ दो बना रही है, उसके अलावा उसके पास उसकी वैलेंसी अगर 6 है ऑक्सीजन की, तो वो दो इलेक्ट्रॉन यूज करके फिर जो दो पैर बचा रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचा रहा है, उसकी दो लोन पैर होगी, तो वो दो लोन पैर यहाँ पे प्लेस की गई हुई है, तो उसका शेप टेट्राहेड्रल ना रह के बैंड हो जाएगा। ऐसे ही हमें देखना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी डी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें इंट्रोड्यूस होता है तो उसका मैं अभी आपको दो थोड़ी देर बाद बताती हूँ। तो ट्राइगोनल पिरामिडल में अगर सभी बॉन्डिंग पैर है तो हमें सभी बॉन्डिंग पैर है तो हमें उसमें क्या मिलेगा, उसका परफेक्ट शेप मिलेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर एक भी लोन पैर है तो हमें कैसे पता कि कौन से लोन पैर कहाँ पे प्लेस करनी है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में ऐसा है कि लोन पैर अगर हम इक्विटोरियल पोजीशन मतलब कि जो तीन एटम एक दूसरे के, मतलब तीन एटम एक ही प्लेन में आ रहे हैं उसे हम बोलेंगे इक्विटोरियल पोजीशन, और जो ऊपर नीचे दिखा रहा है उसको बोलेंगे हम एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन ऊपर बहुत ज़्यादा रिपल्जन फेस करते हैं, इसलिए लोन पेयर क्या करेगी, लोन पेयर अपने आप को अरेंज करेगी इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो हमेशा याद रखना कि अगर ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है तो उसमें हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर ही लोन पेयर प्लेस करनी है। तो लोन पेयर हम अगर वहाँ पे प्लेस करते हैं तो हमारा शेप क्या हुआ, यहाँ पे के शेप आप देख सकते हो, या तो शीशो शेप, ठीक है, शीशो मतलब वो चिचोड़ा आता है ना जिसमें हम बचपन में खेलते थे उचक नीचक, वो वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वरना उसे के शेप भी बोल सकते हैं, के की तरह वो दिखता है। इसलिए अगर उसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और तीन बॉन्डिंग पेयर है तो हम दो को रिप्लेस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टी शेप जैसा, ठीक है। और उसके बाद अगर तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दो ही लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर है तो उसे बोलेंगे हम लीनियर शेप, दो तीनों एटम एक ही प्लेन में आ जाएंगे और लीनियर बन जाएगा। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल मतलब डी टू एस पी थ्री और एस पी थ्री डी टू, वॉट एवर, अगर डी ऑर्बिटल इंटरनल यूज हो रही है तो डी टू एस पी थ्री आएगा, अगर आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल यूज हो रही है तो एस पी थ्री डी टू आएगा। तो वो आपको एक बार देख ही लेना है। तो अभी 6 कोऑर्डिनेट्स, मतलब एच की वैल्यू 6 है तो उसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में अगर सभी तरफ से का मतलब सभी तरफ से सेम ही उनको रिपल्जन फोर्सेस मिलता है, मतलब लोन पेयर कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो क्योंकि उसकी सब साइड सेम है, ठीक है। तो अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, दो लोन पेयर प्रेजेंट है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, अगर तीन है तो अगर इन टी शेप होगा, अगर 4 लोन पेयर प्रेजेंट है तो लीनियर होगा। तो आपको ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, पर मैं अभी आपको होमवर्क में, मतलब आपके लिए प्रैक्टिस में बहुत सारे यहाँ मैं मॉलिक्यूल्स दे रही हूँ, तो आप बारी बारी से इसको सॉल्व कीजिए। पहले क्या कीजिए, H इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M प्लस और माइनस C लेके उसका H वैल्यू निकाले, उसके अकॉर्डिंग उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले, और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसका शेप कौन सा आ रहा है वो देखिए। अगर उसमें बॉन्डिंग पेयर ख़त्म हो जाती है तो कितनी लोन पेयर बचती है वो देखिए, उसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं कि उसका एक्चुअल शेप कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत यूज़फुल होगी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो मुझे मेल करके आप बता सकते हैं, मेरा मेल आईडी है hiranireena22@gmail.com hiranireena22@gmail.com ओके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग.